हेलो एवरीवन, आज है 27 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सनवारिया कंज्यूमर के बारे में। देखिए, 3.5 रुपए के ऊपर ये शेयर ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है। आज 5% की तेजी इसमें जरूर देखने को मिली है। हाल फिलहाल में सनवारिया कंज्यूमर के नतीजे भी आए हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे और इसमें क्या करना चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज है जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, अगर मैं पिछले 1 महीने का डेटा निकालूं तो 1 महीने में ऑलमोस्ट 34% तक डाउन है ये शेयर। अब देखिए, 5 रुपए 38 पैसे से गिरकर ये नीचे आया है, 3 रुपए 10 9 पैसे तक का लो बनाया था। लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत तेजी हमें इसके शेयर्स में देखने को मिली है। नतीजे आने के बाद अच्छा खासा ग्रोथ भी इसमें देखने को मिला है। पिछले 1 साल की हम बात करें तो 1 साल में 76% तक ये टूट चुका है, 14 रुपए से गिरकर ये शेयर नीचे आया। लेकिन कंटिन्यूस गिरावट यहां पर बनी हुई है सर। और अगर यहां पर हम बात करेंगे, देखिए तो माइक्रो कैप स्टॉक है ये, 250 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है और एनएससी में देखेंगे तो 42 लैक्स के अराउंड का वॉल्यूम ट्रेड है। हाल फिलहाल में जो नतीजे आए हैं वो थोड़े बहुत अच्छे जरूर हैं। इसके प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हुआ है, नेट प्रॉफिट इनका इंप्रूव हुआ है और क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रोथ भी है। नेट सेल्स की बात करेंगे तो 1,275 करोड़ के आसपास का इसका नेट सेल्स है, जो पिछले क्वार्टर में 1,511 करोड़ था। तो देखिए, नेट सेल्स में गिरावट है, 15% से भी ज्यादा की गिरावट नेट सेल में है अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें। लेकिन पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 1,200 करोड़ के आसपास का इनका नेट सेल है। नेट प्रॉफिट अब देखिए 43 करोड़ के आसपास का है, जबकि पिछले क्वार्टर में 40 करोड़ के आसपास का था, पिछले साल 32 करोड़ के आसपास का था। मतलब पिछले क्वार्टर के मुकाबले 7% का ग्रोथ है, पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो बढ़िया ग्रोथ है यहाँ पर। उसी तरह प्रॉफिट मार्जिन भी इनका अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है, 5.89 का प्रॉफिट मार्जिन है, जो पिछले क्वार्टर से भी बढ़िया है और पिछले साल से भी अच्छा है। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर्स के पास 64.05% की होल्डिंग है, एफआईएल के पास कुछ नहीं है, म्यूचुअल फंड के पास कुछ नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 35.79% की होल्डिंग है। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर गिरवी है, देखिए 15.53% की होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर्स की गिरवी पड़ी हुई है। प्रमोटर्स की होल्डिंग गिरवी जरूर है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 27.86% है, 27.86% इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग है। डिविडेंड 2017 से इसने पे करना बंद कर दिया है, 2017 से इसने डिविडेंड पे करना बंद कर दिया है। सनवारे कंज्यूमर में आप देखेंगे तो देखिए 90% लोग खरीदारी के लिए बोल रहे हैं, 8% लोग इसमें बेचने के लिए बोल रहे हैं, जबकि 2% लोग इसमें होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं, 2% लोग इसमें होल्ड करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इनके फाइनेंशियल्स की, तो कर्जे की बात करेंगे तो देखिए कर्जा इनके ऊपर है, तकरीबन 975 करोड़ का कर्जा है। उसके अगेंस्ट में इनके पास 1,627 करोड़ के टोटल असेट्स भी है। तो अच्छी चीज है, बैलेंस शीट थोड़ी बहुत बेहतर दिखाई दे रही है इसकी। नेट प्रॉफिट भी इसका इम्प्रूव हुआ है, जरूर इम्प्रूव हुआ है अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो। लेकिन दिसंबर से कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट उतना ही है, सितंबर से कंपेयर करेंगे तो थोड़ी बहुत ऑलमोस्ट सेम ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि सनवारिया कंज्यूमर में करना क्या चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए, ये सबसे पहली बात, ये माइक्रो कैप स्टॉक है, 250 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और माइक्रो कैप स्टॉक में हमेशा एक रिस्क रहता है। ये स्टॉक ऊपर भी जाएगा, ऊपर जाएगा तो काफी ऊपर जाएगा, नीचे आएगा तो पूरा का पूरा बर्बाद भी करेगा। ये एक रिस्क हमेशा माइक्रो कैप स्टॉक में रहता है। और रही बात सनवारिया कंज्यूमर की, तो देखिए नतीजे अच्छे आए हैं, आने वाले दिनों में थोड़ी बहुत तेजी हमें देखने को जरूर मिलेगी। लेकिन ऊपर उठने के बाद ये वापस भी गिरेगा। अगर पिछले 1 साल का आप चार्ट देखेंगे तो देखिए यहां पर जिस तरीके से तेजी इसमें देखने को मिलती है, वापस से शेयर में गिरावट आती है, फिर थोड़ी बहुत तेजी आती है, फिर बहुत बड़ी गिरावट आती है। यहां पर उतनी तेजी नहीं आएगी जितनी गिरावट आएगी। तो मैं यही कहूंगा कि छोटे प्राइस पर अगर आप खरीद भी रहे हो तो बाद में लॉन्ग टर्म के लिए इसमें निवेश मत करना, बाद में आप चाहो तो निकल कर एग्जिट भी कर जाना तो काफी बेहतर रहेगा। लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए सनवारे कंज्यूमर हाल फिलहाल नहीं है। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करके अगर आप निकलना चाहते हो तो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि रिटेल निवेशक इससे दूर रहे, जो बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं वही इसमें खरीदारी करें, क्योंकि देखिए इसका ये इसकी गिरावट कब आएगी ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि नतीजे आप देख रहे हो कि पिछले सब सारे क्वार्टर्स में अच्छे खासे हैं, उतने बुरे भी नहीं है।
लेकिन फिर भी आप देखिए कि शेयर्स में पूरी तरीके से गिरावट है। अब शेयर्स इसी तरीके से गिर रहा है तो आने वाले दिनों में भी इसका चार्ट आपको थोड़ा बहुत इसी तरीके से देखने को मिलेगा। तो मैं यही कहूंगा कि रिटेल निवेशक इससे दूर रहे, और जो बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं वो भी थोड़ा बहुत क्वांटिटी इसमें थोड़ी बहुत शेयर खरीद कर प्रॉफिट बुक करके निकल भी जाए। अगर ये शेयर अभी 3.5 रुपए के आसपास है, अगर 4.5-5 रुपए तक पहुंचता है तो मैं यही कहूंगा कि उसके बाद इसमें खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद भयंकर तरीके से इसमें गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है। तो बाकी मर्जी आपकी है, आपको इसमें क्या करना चाहिए। अगेन कह रहा हूँ, पेनी स्टॉक है, माइक्रो कैप स्टॉक है, रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा इफेक्ट इसमें करेगा। बाकी मर्जी आपकी है कि आपको इसमें क्या करना है। तो इसके इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।